पिछले कई सालों से एंड्रॉयड लोगों के लिए सबसे बेस्ट ओएस रहा है और इसीलिए गूगल अपने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को और भी परफेक्ट बनाने के लिए इसको और ज़्यादा सिक्योर एंड बहुत से नए फीचर्स जो है इसमें ऐड कर रहा है। तो गूगल का लास्ट एंड्रॉयड अपडेट जो कि था एंड्रॉयड 8.0 ओरियो, वो सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और बहुत से यूजर्स को इसका कुछ फीचर्स पसंद आए और कुछ पसंद नहीं आया है। तो अभी तक एंड्रॉयड 8.0 ठीक से सारे फोन्स में आया नहीं है और हाल ही में गूगल ने अपने नए एंड्रॉयड वर्जन के बारे में अनाउंस भी कर दिया है जो कि है ऑब्वियसली एंड्रॉयड पी। सो व्हाट इज अप गाइस, माय नेम इज कुशाल एंड आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंड्रॉयड पी के बारे में और ये कब रिलीज होगा, क्या क्या नए फीचर्स जो है गूगल इसमें ऐड करने वाला है और कौन कौन से डिवाइस को जो है एंड्रॉयड 9 का अपडेट मिलने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी तक तो गूगल का एंड्रॉयड पी का एक डेवलपर प्रीव्यू ही गूगल पिक्सल डिवाइस के लिए रिलीज किया गया है और इसका जो एक्चुअल रिलीज डेट है वो अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है और फिलहाल के लिए पिक्सल यूजर्स को ही इस रॉम को ट्राई करने का चांस मिल रहा है। तो अगर आप भी इस बिल्ड को अभी ट्राई करना चाहते हो तो मेरा सलाह ये है कि आप 2-3 मंथ्स वेट कर जाओ और उसके बाद आपके डिवाइस के लिए भी एंड्रॉयड पी का एक बीटा प्रीव्यू आने वाला है। अगर आप MI, OnePlus, Moto, ज्यूक, वायु या फिर दूसरा कोई भी ओपन सोर्स डिवाइस यूज करते हो तो ही आपको वो जो है बेटा प्रीव्यू मिलने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम ओरियो बेटा अपडेट्स भी जुलाई से अगस्त तक आ गया था कुछ कुछ डिवाइसेस के लिए और वैसे भी अभी आप इसको यूज करके करोगे भी क्या, क्योंकि अभी बस इसका बीटा टेस्टिंग चल रहा है और ऐसे में उसमें काफी सारा बग्स रहेगा तो वैसे भी आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको कोई ऑफिशियल रिलीज डेट अभी से बता देता है तो उसको जो है आप बिलीव ना करें। तो जैसे कि आपको पता है कि एंड्रॉयड 1.6 से लेकर एंड्रॉयड 8.0 तक हर एक वर्जन का नेम कोई स्वीट फूड के ऊपर ही रखा गया है, तो इस बार भी गूगल वही करने वाला है और मे बी इस बार एंड्रॉयड 9 का नेम जो है पोलो या फिर पाइनएप्पल या फिर पॉपिंस हो सकता है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यार कि एंड्रॉयड पी का नाम जो है क्या होने वाला है। तो अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो अगर आप एंड्रॉयड 8 से 9 पे अपग्रेड करते हो तो आपको जो है ह्यूज अपडेट मिलने वाला है, क्योंकि गूगल ने एंड्रॉयड 9 पे बहुत से UI बेस्ड चेंज किया है और बहुत से फीचर्स को जो है ऐड किया है एंड सबसे जरूरी चीज आपको एंड्रॉयड 9 पे काफी अच्छा सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाता है जो कि आपके फोन को और भी सिक्योर रखने में हेल्प करेगा और प्रिवेंट करेगा आपके फोन को हैक होने से। वैसे तो एंड्रॉयड 9 का फीचर लिस्ट बहुत ही लंबा है बट मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि उन्होंने न्यूली ऐड किया है एंड्रॉयड पी में या फिर चेंज किया है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या है वो फीचर्स। फीचर नंबर 1 विच इज नॉच सपोर्ट। तो आपने आईफोन X में तो देखा ही होगा कि उसका डिस्प्ले जो है कुछ यूनिक सा है एंड वहाँ पे आपको स्क्रीन के अपर पार्ट में बीच में आपको कैमरा एंड स्पीकर्स के लिए एक छोटा सा कटआउट देखने को मिल जाता है एंड वो जो है लोगों को काफी अट्रैक्ट किया है आईफोन X की तरफ। तो इसलिए गूगल भी अब एंड्रॉयड पी में वही फीचर नेटिवली ला रहा है और ऐसे में नॉच सपोर्ट बहुत से फोन शायद आपको 2018 में देखने को मिल जाएगा एंड्रॉयड पी के साथ। फीचर नंबर 2 बिल्ट इन स्क्रीनशॉट एडिटर। तो अब आपको स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको एडिट करने के लिए गैलरी पे नहीं जाना पड़ेगा, आप सिंपली स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ ही उसको डायरेक्टली एडिट भी कर पाओगे। फीचर नंबर 3 स्क्रीनशॉट इन पावर मेनू। तो एंड्रॉयड पी के साथ आपका जो काम है वो काफी आसान होने वाला है। अब आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके दोनों हाथों से पावर प्लस वॉल्यूम डाउन या फिर कोई अदर की कॉम्बिनेशन प्रेस करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली अपने पावर बटन को प्रेस करके अपने पावर मेनू से स्क्रीनशॉट ले पाओगे। तो ये बहुत ही एक अच्छा फीचर है क्योंकि आजकल जो है स्क्रीनशॉट का काफी ट्रेंड है और लोग तो हर चीज का स्क्रीनशॉट लेके कहीं पे भी पोस्ट कर देते हैं। फीचर नंबर 4 नो ऑरेंज बार व्हाइल योर बैटरी सेवर इज ऑन। तो अब तक आप एंड्रॉइड में अगर बैटरी सेवर को ऑन करते थे तो स्टेटस बार जो है ऑरेंज कलर का हो जाता था जो कि कभी कभी बहुत ही इरिटेटिंग लगता था और मुझे पर्सनली ये काफी इरिटेटिंग लगा है। तो अब एंड्रॉइड पी में वो फीचर जो है परमानेंटली हटा दिया गया है, तो अब से आपको कोई इरिटेटिंग ऑरेंज बार का सामना नहीं करना पड़ेगा। फीचर नंबर 5 बैकग्राउंड एप्स नो लॉन्गर कैन एक्सेस योर कैमरा और द माइक्रोफोन। तो अब तक एंड्रॉइड किटकैट से लेके ओरियो तक कोई भी स्पेशल एप्लीकेशन आपका कैमरा या फिर माइक्रोफोन को जो है बैकग्राउंड में यूज कर पाता था, तो इससे आपका फोन हैक करने का चांसेस जो है ज्यादा हो जाता था, बट एंड्रॉइड पी में जो है इस फीचर को हटा दिया गया है और अब कोई भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में आपके फोन का कैमरा या फिर माइक्रोफोन जो है एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये भी गूगल ने काफी अच्छा काम किया है और इसको जो है हम लोग सिक्योरिटी अपडेट भी कह सकते हैं जो कि प्रिवेंट करेगा आपके फोन को हैक होने से। फीचर नंबर 6 इज मल्टी ब्लूटूथ A to DP सपोर्ट।
तो अगर आप एक एंड्रॉइड लॉलीपॉप टू नोवट यूजर हो तो आप देखेंगे कि आप एक ही ब्लूटूथ डिवाइस को एट अ टाइम यूज कर पाते हो, बट ओरियो में वो एक्सटेंड कर दिया गया था 2 एट अ टाइम तक, बट एंड्रॉइड पी में वो एक्सटेंड करके 5 कर दिया गया है, क्योंकि आजकल हम लोग को सब कुछ वायरलेस चाहिए और ऐसे में 5 डिवाइस एक्सटेंशन काफी अच्छी बात है। मतलब आप एक साथ 5 ब्लूटूथ डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो या फिर 5 ब्लूटूथ स्पीकर्स को कनेक्ट करके म्यूजिक सिंक या फिर कुछ और भी कर सकते हो। फीचर नंबर 7 इज टेक्स्ट सिलेक्शन जूम। तो ये फीचर आईफोन में बहुत ही पहले से था और अब जो है गूगल को भी लगता है कि ये फीचर एंड्रॉइड में भी जरूर होना चाहिए, तो इसलिए अब गूगल भी ये फीचर को एंड्रॉइड पी के साथ लॉन्च कर रहा है। इसके मदद से आपका टाइपिंग एक्यूरेसी जो है काफी इंक्रीज होने वाला है, एंड अगर आप एक नर्ड हो तो ये फीचर आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। फीचर नंबर 8, मीडिया बटन्स नाउ डिफॉल्टली कंट्रोल योर म्यूजिक प्लेबैक। तो अगर आपने कभी कोई कस्टम रॉम यूज किया है तो आप उसमें देखेंगे कि लॉक स्क्रीन में आप अपना म्यूजिक को जो है प्रीवियस या फिर नेक्स्ट ट्रैक पे चेंज कर सकते थे वॉल्यूम रॉकर्स के थ्रू, बट उसके लिए आपको अपना फोन को रूट करना पड़ता था, उसके बाद कस्टम रिकवरी, उसके बाद कस्टम रॉम के साथ ये फीचर आपको मिलता था। हालांकि वो फीचर काफी कूल था, तो वही फीचर अब जो है एंड्रॉइड पी में नेटिवली काम करने वाला है। इसमें अगर आपका फोन का डिस्प्ले जो है ऑन रहता है तो वॉल्यूम बटन्स नॉर्मल वॉल्यूम बटन्स के जैसा ही काम करेगा, और अगर आपका स्क्रीन लॉक रहता है तो वॉल्यूम बटन की मदद से आप अपना ट्रैक्स को जो है चेंज कर सकते हो। फीचर नंबर 9, लैंडस्केप रोटेशन लॉक। तो अब तक आप हर एंड्रॉइड में देखे होंगे कि आप उसमें से पोर्ट्रेट मोड पे रोटेशन को जो है लॉक कर पाते थे, बट एंड्रॉइड पी के साथ आप अपने फोन को लैंडस्केप मोड पे भी लॉक कर सकते हो। ये फीचर उन लोग के लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा जो लोग अपने फोन को जो है ज्यादातर लैंडस्केप मोड में ही यूज करते हैं। फीचर नंबर 10, मीडिया बार्स रिपोजिशन टू द राइट। तो आपका एंड्रॉइड के प्रीवियस कोई भी वर्जन में आपका मीडिया बार्स जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर पार्ट में देखने को मिलता था, बट एंड्रॉइड पी में उसको रिपोजिशन करके स्क्रीन के राइट साइड में कर दिया गया है, और यहाँ पे आपको एक अलग से साउंड प्रोफाइल भी दिया गया है जिससे आप सेपरेटली वहां से अपने प्रोफाइल्स को जो है चेंज कर सकते हो, एंड आपका वॉल्यूम बटन जो है सिंपली वॉल्यूम को ही कंट्रोल करेगा, ना कि अपने साउंड प्रोफाइल को। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको पहले का वॉल्यूम बार पोजीशन ही अच्छा लगता था या फिर आपको आने वाला एंड्रॉइड पी का साइड वॉल्यूम बार पसंद आएगा। फीचर नंबर 11 इज मटेरियल डिजाइन 2.0। तो आप देखे होंगे कि एंड्रॉइड के शुरुआत से लेके किटकैट तक वो लोग जो है फ्लैट यूआई यूज करता था, फिर लॉलीपॉप से ओरियो तक आपको मटेरियल डिजाइन देखने को मिला था जिसमें कुछ ग्राफिकल नहीं था, बस सब कुछ मटेरियल डिजाइन में था जो कि थोड़ा बहुत 3D लगता था, बट एंड्रॉइड पी में आपको कुछ कलरफुल आइकन्स देखने को मिल जाएगा जो कि काफी एक अच्छी बात होने वाला है, और गूगल इसको कहता है मटेरियल डिजाइन 2.0, बट यह मुझे कुछ कुछ सैमसंग टच व्हिच का याद दिलाता है। एंड लास्टली द फीचर नंबर 12 इज एंड्रॉइड पी कम्स विद अ पिक्सल लॉन्चर। तो अब तक कोई भी कंपनी अपने फोन्स को मैन्युफैक्चर करते टाइम अपना खुद का लॉन्चर या फिर कोई थर्ड पार्टी लॉन्चर जो यूज करता था, बट एंड्रॉइड पी गूगल अपने पिक्सल लॉन्चर के साथ रिलीज करने वाला है। ऑल्दो यू कैन स्टिल चेंज द लॉन्चर, बट प्योर जो स्टॉक एंड्रॉइड आने वाला है वो आने वाला है पिक्सल लॉन्चर के साथ ही, और इसका नीचे का जो सर्च बार है उसको आप मूव या फिर रिपोजिशन भी कर सकते हो। सो यही था गाइज आने वाले एंड्रॉइड पी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस एंड फीचर्स। बाकी जो फीचर्स है वो फिलहाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और वो आपका एंड्रॉइड पी लॉन्च होने के बाद ही पता चल जाएगा। हालांकि और भी बहुत से फीचर्स एंड्रॉइड पी में आ सकता है डेवलपर प्रीव्यू वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 के साथ। सो चलते हैं कौन से डिवाइस को जो है एंड्रॉइड पी का अपडेट मिलने वाला है। तो ज्यादातर डिवाइसेस को जो है एंड्रॉइड पी का ऑफिशियल अपडेट नहीं मिलने वाला है। ऑल्दो अगर आपका डिवाइस है प्रोजेक्ट ट्रिबल सपोर्टेड तो आपके डिवाइस को जो है एंड्रॉइड पी मिलने का चांसेस है, और जहां तक बात है एमआई की तो वो लोग जो है एक फोन में दो एंड्रॉइड अपडेट्स प्रोवाइड नहीं करता है, मैक्सिमम आपको फोन खरीदने के बाद एक ही एंड्रॉइड अपडेट मिलने वाला है। तो यहां पे शायद सबसे पहले एमआई 1 में ही एंड्रॉइड पी का अपडेट आने वाला है, हालांकि बाकी डिवाइस को भी मिलेगा बट इसमें काफी टाइम लग सकता है क्योंकि अभी MIUI एंड्रॉइड ओरियो बेस पे ही काम चल रहा है, तो एंड्रॉइड पी का अपडेट आपको जल्दी नहीं मिलने वाला है, बट गूगल अपने ट्रेबल सपोर्ट की मदद से आपको एंड्रॉइड पी का अपडेट जो है प्रोवाइड करने वाला है जिससे कि आपका फोन का कर्नल वर्जन जो है सेम रहेगा, बस आपका एंड्रॉइड वर्जन जो है अपग्रेड हो जाएगा। और अगर आपका डिवाइस है ओपन सोर्स देन आपको जो है डेफिनेटली एंड्रॉइड पी का अपडेट मिलने वाला है कस्टम रॉम के थ्रू। और जहां तक बात है OnePlus की तो शायद OnePlus 5 को ही अपडेट मिल जाए, बट OnePlus 3 के बारे में कोई श्योरिटी नहीं है क्योंकि कोई कंपनी जो है ओल्ड डिवाइसेस के लिए लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं देता है। तो देखते हैं कि कौन से डिवाइस को जो है एंड्रॉइड पी का अपडेट मिलता है।
हालांकि अभी बस इसका टेस्टिंग ही चल रहा है और इसको रिलीज होता तो शायद नवंबर या फिर दिसंबर तक का टाइम लगने वाला है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस, बाकी आपको आने वाले वीडियोस में पता चल जाएगा अगर कुछ फीचर्स वगैरह ऐड होता है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लेके आता रहता हूँ। एंड आई विल सी यू गाइस लेटर ऑन।